हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका ग्रेविटेशन का पार्ट टू। ग्रेविटेशन के पार्ट टू में सबसे पहले समझेंगे हम थ्रस्ट और प्रेशर में डिफरेंस। चलिए थ्रस्ट और प्रेशर समझने से पहले हम पहले मास और वेट में डिफरेंस समझ लेते हैं, ताकि आपको एक शुरुआत मिल जाए, आपको पिछली वीडियो में कुछ कुछ याद आ जाए। ठीक है, ओके। तो मास और वेट में हमने पिछले वीडियो में अच्छा समझ लिया था, पर इस वीडियो में समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कुछ पिछली वीडियो को कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा, आपको याद नहीं है तो, और आपको लगे ना कि मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है, ओके। तो बच्चों मास और वेट में मैंने आपको सबसे सबसे कॉमन चीज क्या बताई, ठीक है। मास जो होता है बच्चों, मास होता है वो आपका हर जगह कॉन्स्टेंट रहता है। अच्छा, वेट में क्या बताया था मैंने, बताया था वेट जो है हर जगह कॉन्स्टेंट नहीं रहता। वेट जो है आपका हर जगह कॉन्स्टेंट नहीं रहता, यानी कि आपका वेट जो है वो आपका मून पे अलग होगा, मार्स पे अलग होगा, अर्थ पे अलग होगा, सैटर्न पे अलग होगा, नेपट्यून पे अलग होगा, सब प्लैनेट्स पे अलग अलग वेट होगा अकॉर्डिंग टू देयर जी। जी क्या? छोटा वाला जी की बड़ा वाला जी? छोटा वाला जी। अच्छा, वेट का फॉर्मूला क्या बताया था, वेट का फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, मास इनटू क्या बताया था, याद करो, मास इनटू जी। छोटा वाला जी लगाया था ना, आपको कंफ्यूजन आएगा, छोटा वाला जी जिसकी वैल्यू अर्थ में क्या होती है, 9.8 या 10। ओके, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब जो है हम बेसिकली मुझे पढ़ना था वो था थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है बच्चों? थ्रस्ट और प्रेशर जो होता है बच्चों, थ्रस्ट में आपको सिंपल सी बात समझाऊं, थ्रस्ट जो होता है आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपका फोर्स एक्ट करता है, कौन सी डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। शब्दों पे जरा ध्यान करिएगा, मैंने क्या बोला, फोर्स एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फोर्स एक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन नाइन, मैं वो लिख नहीं सकता, मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ फोर्स इन 90 डिग्री या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है वो अपना थ्रस्ट होता है। प्रेशर में क्या बोला, प्रेशर बच्चों होता है फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया। अच्छा, इसको भी जरा ध्यान सुनिएगा, मैं क्योंकि इन द इन दो मैं शुरुआत में बोल रहा हूँ, इनसे मैं आपको कुछ बनवा के दिखाऊंगा कि आपको खुद ही आता है। ठीक है, थ्रस्ट मैंने क्या बोला, थ्रस्ट जो होता है वो फोर्स लग रहा है आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैंने क्या शब्द यूज करा, डायरेक्शन। तो बच्चों अगर डायरेक्शन है तो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी कि वेक्टर होगी, कमेंट सेक्शन में बताइए, 5 मिनट का पॉज लेके, 5 सेकंड का पॉज लेके। हाँ जी, मैं आशा करता हूँ आप सबने वेक्टर क्वांटिटी लिखा होगा, तो अगर आपने वेक्टर क्वांटिटी लिखा है तो बहुत बढ़िया। वेक्टर क्वांटिटी जो है क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसकी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और स्केलर वो होती है जिसकी सिर्फ आपकी एक मैग्नीट्यूड होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बच्चों होता है आपका फोर्स बटे एरिया, क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। अच्छा, फोर्स बटे एरिया होता है सर। हाँ जी, इससे भी आपकी मैं चीज निकलवाऊंगा। अच्छा, फोर्स बटे एरिया, तो फोर्स आपकी डिफरेंशिएशन है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अच्छा, आप मैं अगर आपके से एसआई यूनिट पूछूं तो आप क्या कहोगे, सर हमें जो है इसकी एसआई यूनिट नहीं पता, आप ये कहो, पर आपको पता है, आपको पता है। हाँ जी, एसआई यूनिट जो है बच्चों, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, मैंने पहले ही बता रखा है, न्यूटन होती है। अच्छा, आपकी एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, सर मीटर स्क्वायर होती है, तो निकल तो गई, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही तो होती है। और आपके लिए एक आसान करने के लिए हमने आपको इतना बड़ा देखना ना पड़े, हमने इसके लिए एक और एसआई यूनिट बना दी है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बना दी है, उसका नाम है पास्कल। क्या है, पास्कल, और लिख दें यहाँ पे पी ए से हम उसे प्रेजेंट कर देंगे, क्या कहेंगे, पास्कल। ओके, तो हमने भी क्या क्या डिफरेंस समझा, अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे तो अगर आपकी 2 मार्क्स में गुण आ गया तो आप ये लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि थ्रस्ट जो है तो है वो फोर्स एक्ट कर रहा होता है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर है अपना फोर्स बटे एरिया, उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अच्छा सर, मैंने जो है अपनी क्लास में कुछ आयरन से संबंधित को प्रेशर के लेकर बात सुनी थी, अगर नहीं भी सुनी तो कोई बात नहीं, अगर सुनी है तो बता देता हूँ। आपने घर पर अपने कील देखी है, कील जैसे ठोकते हैं हम, अच्छा जो कील होती है आपने देखा है वो नीचे से इतनी पॉइंटेड ही होती है, इतनी शार्प एज क्यों होता है उसका, मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि प्रेशर जो है आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एरिया के।
तो जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा वो पेनिट्रेट होगी वॉल में। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके प्रेशर के। तो हम यहाँ पे सी वाली बात लिख सकते हैं कि एरिया कम होगा तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा तो जो आयरन नेल है वो ज्यादा प्रेशर की वजह से वो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो पाएगी वॉल के अंदर, यानी ज्यादा अच्छी तरीके से वो वॉल के अंदर घुस पाएगी। अच्छा, इतनी बात हमने समझ ली। आपका अगला टॉपिक पता क्या है बच्चों? मैं ऐसे ही आपको टॉपिक समझा दूंगा बेसिक बेसिक तरीके से, और आपके अच्छे मार्क्स भी आ रहे ही होंगे। आपको उस बात क्या करना है, आपको उस बात एनसीईआरटी पढ़ लेनी है एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना यार मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपने अभी एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डाल दी ना, आपको 11th 12th में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी मस्त, ये वाली बात रट लो बच्चों। अगला टॉपिक है वो आपका बॉयंसी है। क्या है बॉयंसी? बॉयंसी क्या होता है बताता हूँ अभी आपको। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने पानी भर रखा है, उस कंटेनर में मैंने पानी भर रखा है और उस कंटेनर के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट डाल रखा है। उस ऑब्जेक्ट का मैं नाम लिख देता हूँ ए। मैंने जब उस ऑब्जेक्ट को पार्शली या फुल्ली इमर्स कर रखा है वाटर के अंदर, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। वो जो अपवर्ड फोर्स होगा वो अपना होगा बॉयंट फोर्स। क्या बोल रहे हो सर? अच्छा, मान लीजिए, छोड़िए आप मानिए मत, मैंने आपको डेंसिटी वाले टॉपिक में परेशानी आएगी, मैं ऑब्जेक्ट ही मान लेता हूँ। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, आप उस ऑब्जेक्ट ए को पानी के अंदर डालिए, या आपने मग्गा है आपके पास घर में, मग्गे को बाल्टी के अंदर डालेंगे तो बाल्टी के अंदर अगर आप प्रेशर थोड़ा लगाएंगे तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। मग्गा क्यों ऊपर आएगा? वो इसलिए ऊपर आएगा कि मग्गा जो है उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, उस अपवर्ड फोर्स को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, और जो प्रॉपर्टी है इसे हम बॉयंसी कहते हैं। सिंपल शब्दों में बता दिया बॉयंसी। व्हेन वी इमर्स ऑब्जेक्ट पार्शली या फुल्ली इन वॉटर, इट विल एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट भी कहते हैं उसे। अच्छा, उसको थ्रस्ट से वो मत कर लेना, क्या नाम है, मिक्स। अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स एक जैसे होते हैं, पर थ्रस्ट और अपथ्रस्ट अलग होते हैं। थ्रस्ट और बॉयंट फोर्स एक ही बात है, सॉरी, अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स एक ही बात है, पर थ्रस्ट और अपथ्रस्ट अलग अलग बात है। अपथ्रस्ट जो होता है वो हमारा एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होता है किसी ऑब्जेक्ट में, जब हमने उसे पार्शली या फुल्ली इमर्स कर रखा होता है किसी फ्लूइड में, ठीक है? अच्छा, अब जो है आपको अगला टॉपिक जो है आपका वो है रिलेटिव डेंसिटी। पर उससे समझने से पहले हम आप समझेंगे आपका टॉपिक विच इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, उसके लिए आपको मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाऊंगा, मतलब कि अपने इसी लैपटॉप पे। मान लीजिए आपके पास एक, ये क्या बन गया, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ऐसा कंटेनर है गंदा सा। उस कंटेनर में आपने कॉर्क डाल दी, कॉर्क डाल दी, कॉर्क कॉर्क पता क्या होती है? कॉर्क मैं आपको समझाऊं तो एक शैम्पिन की बॉटल लिखी होगी आपने, शैम्पिन की बॉटल के ऊपर जो ब्राउन रंग कलर की होती है वो कॉर्क होती है, ठीक है? अच्छा, और आपके पास है एक, क्या नाम है, आयरन नील ले लीजिए, आप अपने पास एक कॉइन सिक्का होगा आपके पास, तो आपने सिक्का ले लिया, ठीक है? आपने सिक्का ले लिया, सिक्के को मैं ब्लू कलर से पेंट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। सिक्के सिक्का है, इस पे 1 रुपये लिख दें, ये 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है? ये 1 रुपये का सिक्का है। आप देखेंगे जब आप इन दोनों को पानी के अंदर इमर्स करेंगे, आप इन दोनों को पानी के अंदर इमर्स करेंगे तो भैया ये जो है ये तो ऊपर तैरता रहेगा, ये तो ऊपर तैरता रहेगा, ये तो ऊपर तैरता रहेगा। क्या? कॉर्क। कॉर्क जो है वो तो ऊपर तैरता रहेगा, पर आपको जो सिक्का है बच्चों वो नीचे आके बैठ जाएगा, वो सिक्का जो है वो नीचे आके बैठ जाएगा। वो नीचे आके क्यों बैठेगा और कॉर्क क्यों तैर देगा बच्चों? आपको वाली बात माननी है कि कॉर्क और सिक्के का मास जो है सेम है, ठीक है? कॉर्क और सिक्के का मास सेम है, कॉर्क तो ऊपर तैर रहा है पर आपका सिक्का नीचे आके बैठ गया। क्यों बैठ गया भाई? क्यों बैठ गया? वो इसलिए बैठ गया मेरे प्यारे बच्चों, वो इसलिए बैठ गया कि जो सिक्का है उसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी से, जो सिक्का है उसकी ज्यादा डेंसिटी है पानी से, इसलिए वो नीचे आके बैठ गया। पर आपका जो कॉर्क है
उसकी डेंसिटी कम है पानी से, इसलिए वो ऊपर तैर रहा है, इसलिए वो ऊपर तैर रहा है। अच्छा, तो मतलब जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी वो नीचे आके बैठ जाएगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली। अब जो है बच्चों आपका अगला टॉपिक जो है, आई थिंक वो एक और टॉपिक आपका रह रहा है, वो है आपका कुछ बर्नौली प्रिंसिपल या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हमने कराया नहीं है, अभी कराते हैं आपका, वो छूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये पाठशाला है और हम मिलकर फोड़ेंगे। ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल कर लेते हैं, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका छोड़ना हम जायज नहीं समझते। बर्नौली प्रिंसिपल ये हमने समझा दिया आपको, बर्नौली समझा दी अच्छी से पूरा, ये ना जो आप करा रहे हैं ना ये लिखा हुआ है, हमने आपको अच्छे से समझा दिया, तो आपको बस एक बार इसकी रीडिंग लगा लेनी, आपको तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। आर्किमिडीज क्या कहते हैं, ये आर्किमिडीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये होता है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली या फुल्ली इमर्स इन लिक्विड इट विल एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। इनका भी ये कहना है, इनका ये कहना है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को, अगर आप एक ऑब्जेक्ट है आपको उसने आपने उसको पानी के अंदर डाल दिया, तब क्या देखोगे, उसने जो अपना जो फ्लूइड डिस्प्लेस करा है वो आपके वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। घंटा भी समझ में आया सर, आपने कंफ्यूज कर दिया, माफ चाहूंगा उसके लिए, मैंने आई थिंक यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया है, इसलिए मैंने वीडियो रोकी थी। मैंने ये बोलना था कि मान लीजिए, पहले तो कलर चेंज करूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए इसमें। मैंने ये बोलना था कि मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने पानी डाल रखा है, इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी डाल दिया, उस पानी डालने के बाद मैं ये पाता हूँ, पानी डालने के बाद मैं ये पाता हूँ कि भैया उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया, क्या डाल दिया, ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का नाम भी रख देते हैं हम आपके लिए आसान करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट का नाम है ए। तो वो क्या कह रहे हैं आर्किमिडीज, आर्किमिडीज ये कह रहे हैं कि जब इस बॉडी को पार्शली या फुल्ली इमर्स कर रखा है पानी के अंदर, तो वो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, अपर फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट कहते हैं उसे, कहते हैं कि नहीं कहते, बताया तो था अभी, उसपे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू इक्वल होगी टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। जितना उस ऑब्जेक्ट ने अपने नीचे से फ्लूइड डिस्प्लेस कर रखा है, जितना उस लिक्विड ने, उस ऑब्जेक्ट ने जितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर रखा है वो इक्वल होगा आपके फोर्स के, जो अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा। सिंपल शब्द में कहूं तो मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने पानी के अंदर डाला, जितना पानी वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा वो इक्वल होगा अपने अपवर्ड फोर्स के जो उस पर लग रहा है। ये आर्किमिडीज भैया हमारे कह के गए। ठीक है, आप समझते हैं आखिरी टॉपिक विच इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या कहती है, रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं कहती, रिलेटिव डेंसिटी ये कहती है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डायरेक्ट के नाम है इज इन रेशियो विथ डेंसिटी ऑफ वाटर। मान लीजिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, आपके एग्जाम में आया कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर। आपसे इसमें ये सवाल नहीं पूछा जाएगा रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ, आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट डिफाइन द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो आप ये कहोगे कि एसआई यूनिट रिलेटिव डेंसिटी कुछ होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि ऊपर की एसआई यूनिट है और नीचे की एसआई यूनिट है, वो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगी, वो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगी। ठीक है, ऊपर की एसआई यूनिट और नीचे की एसआई यूनिट एक दूसरे से कट जाएंगी। ठीक है, सिंपल शब्द जो मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए आपके ऊपर है एसआई यूनिट केजी मीटर क्यूब माइनस क्यूब, केजी मीटर माइनस क्यूब, और नीचे है केजी मीटर माइनस क्यूब, तो केजी से केजी कट गया और माइनस क्यूब से मीटर, माइनस क्यूब से मीटर माइनस क्यूब कट गया, तो इसकी कोई एसआई यूनिट होती ही नहीं है। किसकी एसआई यूनिट नहीं होती, रिलेटिव डेंसिटी की एसआई यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर is the relative density, is the relative density। ठीक है, अच्छा इट हैज नो इट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन मुझे लगा कि हर साल आता है क्वेश्चन लिख क्या है, इतना ये सवाल के रखा है कि relative density सिल्वर की रखी 10.8, यानी कि उसको कहाँ रखेंगे, उसको रखेंगे इधर 10.8। ठीक है बच्चों, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो इसी बात पे हम करते हैं वीडियो की एंडिंग।
धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, देखते रहिए पाठशाला यूट्यूब चैनल को। और ग्रेविटेशन का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का हम मिला के अच्छा पार्ट वन शॉट लेके आ रहे होंगे 1 घंटे का, ताकि आपको सबको समझ में आ जाए, उसमें हम क्वेश्चंस भी आपके कराएंगे। धन्यवाद।